देश भर में कांग्रेस पार्टी शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन की बड़ी वजह बनी है JEE और NEET की परीक्षा। कांग्रेस चाहती है यह दोनों परीक्षाएं स्थगित की जाएं। इस प्रदर्शन से जुड़ी ताज़ा तस्वीरें पानीपत से आ रही हैं। पानीपत लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री विजेंद्र उर्फ बिल्लू पानीपत शहरी हलके से प्रत्याशी रहे संजय अग्रवाल समेत वरिष्ठ नेता ओम वीर पवार और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो केंद्र की सरकार ने फैसला लिया कि भी बच्चों का JEE का और NEET का एग्जाम लिया जाए, तो कांग्रेस इस बात का विरोध करती है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली हुई है और जो हालात आज इस बीमारी ने देश के कर दिए, तो हमारी ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। क्योंकि जिन बच्चों को कोरोना हो चुका वो या जो कोरोना संक्रमित है उनको मौका कब मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कि किसी बच्चे के अगर कैरियर को किसी के कैरियर के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करती है, तो भारत में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बात को सहन करने वाली नहीं है। आज हमारे सब साथी हम डटकर इस बात का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि जो केंद्र सरकार ने NEET और JEE की परीक्षा लेने का फैसला लिया, इसको स्थगित किया जाए और जब ये कोरोना महामारी इस देश से चली जाए तब उन बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाया जाए। और इसके साथ साथ इस बात के बारे में भी वो हमें जवाब दे कि जो बच्चे कोरोना संक्रमित है उनको मौका एग्जाम देने का कैसे मिलेगा, उनको कब सरकार ये कहेगी भी आप एग्जाम दें। तो आज हमारा सबका ये मानना है और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता और देश के हर नौजवान की विद्यार्थी की डिमांड है कि इस परीक्षा को अब ना लिया जाए और जैसे कोरोना महामारी इस देश से जाए तब सारी परीक्षा ले ली जाए, ऐसा हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे नेता मांग करते हैं। बिल्कुल, हमारा विद्यार्थी संगठन भी कर रहा है, NSUI भी कर रहा है, छात्र संगठन भी कर रहा है और सबकी एक ही डिमांड है। बच्चों के माता पिताजी भी इस बात की मांग करते हैं कि अगर हमारे बच्चे परीक्षा देने गए और अगर वहाँ कोरोना की चपेट में आ गए, अगर हमारा जीवन ही सेफ नहीं है तो बच्चों का एग्जाम दिला करके क्या करेंगे, उसे सारा घर परिवार संक्रमित हो जाएगा। आज आपके सामने है इस देश के कितने नेता, कितने मंत्री, कितने पदाधिकारी और वैसे आम जनता कितनी संक्रमित कोरोना से है। हर रोज केस पे केस बढ़ रहे हैं। आज अखबार में थी कि 75,000 से ज़्यादा केस एक दिन में हुए हैं, 75,000 से ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज़ ये केस बढ़ रहे हैं। तो सरकार को चुपचाप इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसका रोकथाम कैसे हो, लोग इस संक्रमण से बचे कैसे, दवाई कैसे जल्दी से जल्दी आए। मैं समझता हूँ कि सरकार का ध्यान उस तरफ लगना चाहिए ताकि इस देश की जनता सुरक्षित रह सके। अगर हम देश के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आदमियों का सेहत का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को जो अधिकारी हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो कोई मेडिसिटी में एडमिट है। आज मुझे अखबार में भी हमने पढ़ी है कि जो प्रदेश के मंत्री, स्पीकर, मुख्यमंत्री वो तो मेडिसिटी का इलाज लेते हैं और जो हमारे गरीब भाई जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको कोई दाखिला भी हॉस्पिटल में नहीं देता, वो इस बीमारी से मर रहे हैं। तो सरकार को आँख खोल के देखना चाहिए कि हर इंसान की जान की कीमत उतनी प्रधानमंत्री की है और उतनी एक मजदूर की है, उतनी एक भिखारी की है। तो हम कांग्रेस के लोग इस बात की मांग करते हैं कि सरकार को इसकी दवाई का प्रबंध करना चाहिए और जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनका पूरा इलाज करना चाहिए और जो सुविधाएं VIP के लिए है वही आम जनता के लिए और मजदूर के लिए होनी चाहिए, ऐसी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है। आज प्रदर्शन किया गया है, यदि सरकार इसको अनदेखा कर दिया तो क्या रूप लेने वाला है? क्या क्या आज आपने प्रदर्शन किया है? हाँ, छात्रों की मांगों को लेकर यदि सरकार जो है इस प्रदर्शन का अनदेखा किया जाता है तो आपका क्या रूप लेने वाला है? हमारा निर्णय है कि हम तो विरोध करेंगे और हम ये मांग भी करते हैं कि सरकार भी इसी देश के लोगों के लिए बनी है, इस देश के लोगों ने बनाई है, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले सुरक्षा पर ध्यान दें। अगर केंद्र सरकार या मोदी सरकार इस देश की तेजी है, इस जनता के जीवन की तेजी है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि विद्यार्थियों के इस एग्जाम को ना लेकर के थोड़े समय के बाद इसको स्थगित करके फिर ले लिया जाए और जो बच्चे कोरोना संक्रमित है उनके लिए भी वो तारीख निश्चित की जाए ताकि वो भी इससे वंचित ना रहे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।